तो एक ही काम करना। जब आप ऐसे बैठो तो ढीले बदन से बैठो, ऐसे अकड़ के नहीं, पहले समझ लो ऐसे आराम से, और बदन को हिलाओ डुलाओ मत। जब बैठो तो बदन को स्थिर रखो ऐसे, और एक वक्त में एक ही काम। जब आप ध्यान करो तो फिर भजन मत करो, आवाज मत सुनो, ध्यान कर रहे हो दृष्टि, तो दृष्टि को एकाग्र करो और एक ही जगह पर उसको रोको, और तिल मिल गया तिल पर रोको, आगे दिखाई दे रहा उस पर रोको। उसमें भी जो आगे दिखाई देता है जब आँख खुलती है तो बहुत सी चीज़ें इधर दिखाई, इधर मालूम होती, इधर तो इधर मत देखो, इधर देखो, ऊपर से मालूम होगा कि बाजार का बाजार, तो ऊपर भी मत देखो, सामने देखो, वो सामने सब जगह तिल रहेगा। अब उधर जाओगे उधर प्रकाश में तो दूसरा तिल है, वो प्रकाश का तिल अलग है, वहाँ का जैसे स्वर्ग का वैकुंठ का तिल अलग है, ये मृतलोक का अलग है, ऐसे ही हर मंडल का अलग अलग तिल है, तो उसी से पता चलता है कि दरवाजा ही है। अगर वहाँ जा करके उस दरवाजे को न देखें तो ऊपर नहीं जा सकते। तो बात वो बताते हैं, देखो बहुत तो उस लोक का तिल है, उसका तिल ही कहा जाएगा उसका, यानी बहुत प्रकाश है लेकिन उसमें भी वो तिल है मौजूद की, तो वहाँ पर उसको देखोगे तब उसे उस आकाश को जो उसकी सीमा है तभी उसको पार जाओगे और टूटेगा, और उसको नहीं मतलब ये देखोगे तो नहीं तो लग जाते हो देखने में, तभी तो चाल रुक जाती है, कभी इधर कभी इधर। अब छोटा छोटा कोई प्रकाश आया दूर से तो आपने देखने लगे तो बस छूट गया, अब वो भी गायब हो गया, सामने का भी गायब हो गया, आँख आपकी हिल गई। तो एक वक्त में एक काम, देखने के वक्त में देखो, दृष्टि को एकाग्र रखो, मनोचित को रोक करके और दृष्टि को जमाए रहो, बस यही काम करना। उस समय किसी रूप रूप की याद नहीं करना, ना कोई नाम लेना, बस दृष्टि को ऐसे और दृष्टि जमाना। सुमरण के वक्त में तो आप सबका नाम लो, एक एक का नाम एक एक रूप को याद करो, इसी तरह से ध्यान के वक्त में नहीं, क्योंकि ध्यान के वक्त में जब तक आँख नहीं खुलती है तब तक नहीं, और जब आँख खुल जाएगी तब तो फिर मतलब एक है सामने, तब तो रूप दृष्टि से याद होता है, फिर सूरत की आँख से याद होता है, फिर इससे नहीं। अभी तो आप उसको याद करोगे बुद्धि से, जब तक आँख नहीं खुलती है तब तक, तो तब तक आप एक वक्त एक ही काम करो। ऐसे जब भजन पे बैठो कि आँख बंद किए कान बंद किए, तो ऊंचा ध्यान दे करके सामने मत देखना, नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर भी देख सुन रहे और सामने भी देख रहे तो खिंचाव हो गया, तो एक संग दो न भवान, यानी दो काम एक साथ नहीं होंगे कि तुम देखो भी और सुनो भी, एक ही काम करो सुनने का। जब सूरत शब्द में जब पकड़ेगी उसमें होगा तो वो खुद ही अपने आप देखने लगेगी, तब देखेगी अपने आप, जब आँख खुलेगी तो अपने आप देखने लगेगी, जो जो चीज़ें आएगी सामने देखेगी शब्द में हो करके, ऐसे नहीं कि आप उधर भी सामने भी देखने लगे तो न वो पकड़ सकोगे न वो पकड़ सकोगे, न देख ही सकोगे न सुन सकोगे, एक वक्त में एक ही काम। भजन के वक्त में कानों से सुनना खाली, आँख बंद रहेगी, और ध्यान के वक्त में आँख से देखना कानों से कुछ नहीं बंद बैठ गया। वैसे ध्यान के वक्त में जब ध्यान होता है और दृष्टि खुलती है तो शब्द तो सुनाई देता ही है, लेकिन ध्यान करो उस वक्त में, और ध्यान करते रहो करते रहो करते रहो, शब्द अपना आता रहेगा, शब्द सुनाई देता रहता है, शब्द आता रहेगा, ध्यान करो उसको। ऐसे भजन के वक्त में, तो जब भजन के वक्त में शब्दों का प्रकाश आएगा, शब्द में ही से प्रकाश निकलना, उसमें से प्रकाश आएगा, तो जो शब्द में से प्रकाश आता वो, और उसको अगर छोड़ दोगे तो फिर ध्यान टूट जाएगा, फिर मतलब ये भी छूट जाएगा। एक वक्त में एक ही काम, जब गहरा अंदर चाल हो जाती है तब तो दोनों काम एक साथ होते हैं, देखने का भी देखो सुनने का भी, वो शब्द में होकर के होता है, ऐसे नहीं। तो वही बार बार आपको समझाते हैं, ऐसे बैठ गए तो उसमें जो कुर्सी उर्सी पर बैठे रहते हैं तो जरा बैठने में दिक्कत होती है, तो पैर नीचे हो जाएंगे, और ऐसे नीचे हो कोई तिपाही वगैरह या कोई पीड़ा हो जिसमें स्नान करते हो ही रख लो, और ऐसे बैठ गए, या कोई तकिया ऊंचा सा रख लो, थोड़ा ये ऊंचा हिस्सा हो जाए और ऐसे रख लिया, तो ये आसन जो है बिल्कुल अडोल है, इससे बदन हिलेगा डुले नहीं, इधर ये हो गया इधर हो गया, आँख बंद की कान बंद कर लिए, अंदर उंगली डाल के, कान के अंदर उंगली जाना चाहिए, बाहर से नहीं, ऐसे बाहर से नहीं बंद, कपड़े से बंद नहीं करना, अंदर उंगली डालोगे बाहर की आवाज़ ना आए, इस आवाज़ को काटना है रोकना, ये आवाज़ जब कटेगी और अंदर की जब आप कानों करोगे तो वो आवाज़ आने लगेगी, ये बाजा नहीं पहुँचाए, जैसे इस आवाज़ ने बाधा डाला
तो उस आवाज़ के सुनने में विघ्न पड़ जाता है, इसलिए इसको रोकना पड़ता है, इसको काटना पड़ता है। तभी लोग बहुत सब उदरक होते थे कि भाई कोई आवाज़ है तो चलो भाई बैठ जाएंगे और भी बैठ कर करेंगे तो आवाज़ें सब बंद बाहर की सब बंद हो जाएंगे और कोई आवाज़ तो विघ्न बाधा नहीं होगा। समझिए अब ये मुद्रा कौन खोदे? अरे भाई मतलब जैसा मौका पड़े वैसे ही सुविधा कर दी कि भाई ठीक है तुम कानों को ठीक से बंद करो और इधर से ध्यान हटा लो, जब उधर की आवाज़ आने लगे तो फिर ये कितना भी आवाज़ आए आपका कुछ नहीं करते, ऐसे ही बैठे रहो सुनते रहो, ये आवाज़ सुनाई नहीं देगी। आप कितना भी बोलते चिल्लाते रहो कुछ भी सुनाई देगा, उस आवाज़ की तरफ ध्यान चलेगा सुनाई नहीं देता। इधर का वो आवाज़ आ रही हो 24 घंटे खुल जाएगी ना, घमाघम धमाधम वो बजता रहता है, उतनी आवाज़ होती है यहाँ उसकी आवाज़ ही थी, तो आप क्या सुनोगे? तब फिर बहुत इधर को ध्यान लगा करके सुनोगे तब समझ में आता है। तो वो तो खैर आपका जब बनने लगेगा अभ्यास, अब जिन लोगों का बनने लगा उनको ऐसा ही होता तो उनको कहते हैं बहरा हो गया, जब वो ज़ोर से कहते हैं अरे भाई ज़ोर से बोलो तो उसको कहेंगे अरे तू बहरा हो गया, तू मुझे अब सुनाई नहीं देता, असली बात ये नहीं, अब वो भेद वाली क्यों बात बताए। ऐसे बैठ गए, अब इसमें घंटे भर भी बैठे रहो कोई तकलीफ नहीं, और वैसे बैठोगे तो थोड़ा सा 2-4-5-10 दिन जरा पैर थोड़ा सा सुन होगा तो एक पैर ऐसा कर लो ऐसा करके तो थोड़ा सा ऐसे ठीक कर लिया, लेकिन भजन पे बैठे रहे फिर बैठ गए तो मतलब ये थकान भी आपकी ये दूर हो जाएगी और फिर ध्यान इधर नहीं लगेगा उधर ध्यान लग जाएगा। हर तरह की कोशिश कर लेना चाहिए बैठ गए, ये भी अच्छा चारपाई पे बैठ गए उस पर अच्छा, कुर्सी पे बैठ गए तो एक तकिया रख लो तो कुर्सी पे भी कर सकते हो चारपाई पे कर सकते हो, क्योंकि आपको ध्यान इससे ऊपर करना है, नीचे का कुछ है ही नहीं है, तो जैसे ऊपर का बने वैसे करना, लेट के भी कर सकते हो, रात को अपना खाना खाया लेट गए अपने आँख और कान बंद किए ऊपर सुनने लगे, सुनते 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 और उसी में सो गए, कोई हर्जा नहीं सुनते उस सो जाए, कभी ऐसा होता सुनाई देने लगा सुनते सुनते सो गए और बस उसी खींच लिया उसने भक्त से ऊपर खींचेगा एकदम से खींच लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा पक से ऐसा हो गया दूसरी दुनिया में आ गए और रोशनी रोशनी तब दिखाई देगी, जब इधर कहोगे कह रही क्या सवेरा हो गया क्या सूरज निकल गया, जब बाहर देखोगे तो अर्धरात्रि है आधी रात, तब आप चकाचौंध होगे कि भाई मैं कहाँ चला गया था, ऐसा होता है खिंचाव हो जाता है, जब करते रहोगे तो खिंचाव हो जाएगा, तो सोते में भी करो जब सो जब तक जाग जगते रहो तब तक करते रहो और उसी में करते 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 सो गए, क्योंकि ऐसे ध्यान लगाया तो ध्यान ही करते करते खो गए भक्त से आँख खुल जाएगी, खिंचाव उसमें भी हो जाता है, लगे रहो। अब यही तो महात्माओं ने कहा जैसे बने तैसे करो, उन्होंने नहीं कहा ऐसे ही करो, जिस तरह से बने ये सब सुविधा है आपके लिए। अब इतने भी कर लो तो कुएं में गिर जाओ, सीधा कुआ उसी में जा गिर जाओ, क्योंकि आगे कोई कर्म नहीं बनेगा उससे तो छुटकारा हो जाएगा, इसलिए महात्माओं ने कहा कुएं में गिरो, जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कहने का यह है कि करो, उसका मतलब यही है कि कुएं में गिरने की बात नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन भजन कर लो नहीं कुएं में जाओगे, 84 में जाओगे कुएं ही है, नरकों में चले जाओगे फिर निकल नहीं सकते हो, तो बड़ा अच्छा होता है इसका। अच्छा अब बैठ जाओ भजन पर, हम ही बैठते हैं, हम यहाँ से हम चले जाते हैं, हम भी वहाँ करते हैं जाकर,